ये वर्टिव की पीएसी है, मॉडल है इसका ग्लोबल पैक्स 2130 डाउनफ्लो एसएफए। हम आज इसके एचपी स्विच के कनेक्शन के बारे में जानेंगे, एचपी स्विच की वायर कहां से कैसे जाती है। तो ये रहा एचपी स्विच, यह है एचपी स्विच, यहां से दो वायरें निकल रही है। ये इसका कनेक्टर हो गया वाइट कलर का जो है, इसमें से दो वायर यहां से निकल रही है, रेड और ब्लैक। ये वायर इधर से घूमते हुए ऐसे यहां पे आ रही है, ये आ गई यहां पे रेड और ब्लैक। ये जो ब्लैक वायर है ये कंप्रेसर के कंटेक्टर पे, कंप्रेसर के कंटेक्टर के A1 पे है, A1 पे आता है, वहां से ये दिख रहा है आपको A1। और जो रेड वायर है, रेड वायर यहां से निकल के तो यहां पे आ रही है कार्ड में, P17 पॉइंट है इसका, जो ये लिखा हुआ है इस पे भी लिखा हुआ है P17। ये देखिए P17 लिखा हुआ है। अब ये इसमें था ना रेड वायर, तो वहां से आ रही है रेड वायर, ये हो गई आपकी जो एचपी स्विच से होते हुए आ रही है। और ये जो ब्लैक वायर यहां से निकल रही है वो यहां पे आ रही है, 24 वोल्ट की जो बहुत सारी वायरें लगी हुई हैं यहां पे आ रही है। ये रहा एचपी स्विच का कनेक्शन, कहां पे वायर है इसकी, कैसे-कैसे वायरें जा रही हैं। एक बार और बता देता हूं, यह एचपी स्विच, यहां से दो वायरें निकल रही हैं इसकी, कनेक्टर है रेड और ब्लैक वायर, इधर से ऐसे आ रही है घूम के यहां पे आ गई। ये ब्लैक वायर है, ब्लैक वाली यहां पे आ रही है कंप्रेसर के कंटेक्टर के A1 पे, कंटेक्टर पे ये रहा A1 पॉइंट। और रेड वाला वायर जो है ये रेड है, रेड यहां पे आ रहा है कार्ड में P17 पे, पॉइंट है P17 यहां पे रेड। और ये ब्लैक वाली वायर निकल के यहां पे आ रही है, ये वाली वायर है यहां पे आ रही है।